इस वीडियो में हम आपको बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना बताएंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल के एग्जांपल के लिए हमने स्क्रीन पे एक बिल ऑफ मटेरियल बना लिया है पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम सीखेंगे बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें लगने वाले पार्टों का नंबरिंग, सीरियल नंबर, पार्ट नेम, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इनकी जो लिस्टिंग होती है उसी को बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। और इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है ब्लॉक की हेल्प से। पिछले वीडियोस में हमने ब्लॉक, डायनेमिक ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक, डबल ब्लॉक के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। ब्लॉक का एक टॉपिक छूट गया था जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं, तो उसी के हेल्प से ये बनाया जाता है। हमने यहाँ पे एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया, ये देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। इसको हमने ब्लॉक के रूप में पहले बना लिया, तो इसको एक बार इंसर्ट करके देखते हैं, फिर इसको बनाना सीखेंगे। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, आई एंटर करेंगे, एक ब्लॉक के रूप में हमने बनाया BOM करके, ये जो ओके किया। अब यहाँ पे ये आ रहा है सीरियल नंबर, पार्ट नेम, मटेरियल क्वांटिटी करके आ रहा है। अब हमें ये इसके नीचे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है सीरियल नंबर कितना है। अभी 1 2 हमने भर दिया था, सीरियल नंबर 3 है। ओके, टैब प्रेस किया, दूसरे में आ गए, एंटर पार्ट नेम। पार्ट नेम हमको क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है ना एंटर पार्ट नेम, तो पार्ट नेम क्या है, डोर 3 फिट, ये है डोर 3 फिट। मटेरियल हमने ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी मान लीजिए इसकी क्वांटिटी 30। ओके करेंगे तो इस तरह से अपडेट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि अपनी मटेरियल की जगह आप साइज भी रख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, आइए चलिए सीखते हैं उसको कि हम कैसे इसको क्रिएट करना है। तो हम एक नई फाइल ले लें, फाइल पे जाएं, न्यू, स्टार्टिंग से सीखेंगे, एक ऐड ऑप्शन, ओपन कर लिया, हमारा नया फाइल ओपन हो गया है। देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ब्लॉक बनाएंगे, तो ब्लॉक उसको बनाने के पहले एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए शॉर्ट की क्या होता है, A डबल T एंटर करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है एट्रीब्यूट डिफिनीशन। इसमें 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन पे छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको लिखा है टैग ऑप्शन। टैग ऑप्शन में आप क्या लिख सकते हैं, टैग, जैसे आपका है सीरियल नंबर, टाइप करना है सीरियल नंबर, टाइप कर दिया। अब ये है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, टैग को कॉपी कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं एंटर, कंट्रोल वी से वी कर देते हैं यहाँ पे, एंटर सीरियल नंबर इसमें, और डिफॉल्ट में सीरियल नंबर ही हम लिख देते हैं। ओके, तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे हमने रख लिया। अब चलते हैं फिर इसको एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद फिर वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। टैग में फिर क्या लिखेंगे, पार्ट नेम। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि टैग में हम स्पेस नहीं देंगे, पार्ट के बाद स्पेस ना देंगे, स्पेस की जगह पे अंडर स्कोर रखेंगे। क्यों स्पेस देंगे, तो ये फिर क्रिएट नहीं कर पाएगा, फिर ये एरर शो करने लगेगा। तो हम स्पेस की जगह अंडर स्कोर लिख देंगे, पार्ट फिर अंडर स्कोर फिर लिख देंगे नेम, ठीक है। प्रॉम्प्ट में एंटर और पार्ट नेम को ही। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि टैग में हमने अंडरस्कोर रखा है, टैग में हमने स्पेस नहीं रखा है, जबकि प्रॉम्प्ट में हमें एंटर के बाद स्पेस रख दिया है, तो प्रॉम्प्ट में चलता है, टैग में हमें किसी भी कीमत पे स्पेस नहीं रखना है। ओके, और डिफॉल्ट में हमने सेम वैल्यू रख लिया है, अपनी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं। ओके, सीरियल नंबर के बगल में हमने पार्ट नेम लिख दिया। ओके, ये पार्ट नेम हो गया। क्या चाहिए, साइज, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखिए एंटर साइज, इसमें साइज। ओके, तो साइज का कॉलम यहाँ पे हो गया, ठीक है, एंटर। क्वांटिटी सेलेक्ट, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखना है एंटर क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी। ओके, तो इस तरह से हम लिख लिए, जितने भी टैग हमको देने थे वो हमने अप्लाई कर दिए। अब इसको एक रेक्टेंगल से कवर कर देंगे, ठीक है, रेक्टेंगल से हमने कवर कर दिया, लाइन से इनको हम अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने
एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया, अब इनको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लॉक में सिंपल आपने कन्वर्ट करना सीखा है, बी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, स्पेसिफाई पिक पॉइंट, पिक पॉइंट पे आपने ये पिक पॉइंट क्लिक कर दिया, नेम डाल दिया हमने बिल ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में डाल दिया। अब डिलीट ऑप्शन ही रख लेते, अब यहां से इंसर्ट करते हैं, आई एंटर, यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी, हमें एज इट इज रखना है, ओके। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, क्वांटिटी साइज पार्ट नेम और सीरियल नंबर ऐसे करके आ रहा था, एंटर, ओके, क्लिक किया हमने, यहाँ पे ये आ रहा है, क्वांटिटी ऊपर आ रहा है और सीरियल नंबर इधर आ रहा है, तो हमको एंटर करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसको, इसके लिए एक कमांड है बैटमैन, बी ए डबल टी, शॉर्ट की है, और इसको एंटर करेंगे तो ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब देखिए सीरियल नंबर को हम यहाँ से सेलेक्ट करके मूव अप कर सकते हैं, ओके। फिर क्वांटिटी को हमें सबसे डाउन करना है, मूव डाउन कर दिया। साइज को एक बार मूव डाउन करेंगे, ये देखिए सीरियल नंबर, पार्ट नेम, साइज और क्वांटिटी हो गया, अप्लाई करेंगे, देन ओके कर देंगे। तब ये अप्लाई हो गया है, अब हम इंसर्ट करेंगे, आई एंटर, ओके, ले लिया हमने। अब यहाँ पे आ रहा है, विंडो ओपन करके आ रहा है। अगर आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर होगा, 15 से पुराना होगा, तो यहाँ पे भी लिख के आ सकता है एंटर सीरियल नंबर। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 एंटर किया हमने, टैब दबा दिया, ठीक है। पार्ट नेम क्या है आपके पास, डोर है, डोर, ठीक है, टैब दबाया। साइज क्या है उसका, है 3x7 का, ठीक है। और क्वांटिटी कितना है, मान लीजिए आपके पास 5 क्वांटिटी है, 5 लिखा, ओके किया, ये अपडेट हो जाएगा, एंटर, ओके। यहाँ पे क्लिक करना है सीरियल नंबर 2, पार्ट नेम क्या है, पार्ट नेम हमारा है डोर 2, साइज क्या है, साइज है 2.5x7, ठीक है। टैब, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी इसका है 10, ओके ओके। तो इस तरह से आप अपडेट करते हुए अपना टेबल बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, और आगे हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है, तो हम आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप यहाँ ब्लॉक के टॉपिक सारे खत्म हो गए हैं, ब्लॉक का ये टॉपिक रह गया था पिछले में, मैं नहीं बता पाया था क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।